असल हैवी मशीन लिमिटेड ने हांडा ट्रेडर से 3,20,000 मूल्य का फर्नीचर मशीन खरीदा। बंसल ने खरीद रखी से हांडा ट्रेडर से। हम लोग को बंसल की पुस्तक बनाना है तो बंसल क्या लिखेगा कि मैं हांडा ट्रेडर से 3,20,000 का मशीन खरीदा, क्रय किया। तो मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ, मैं मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने खरीदे, 3,20,000 रुपये का, ठीक है। टू, चलो मैं ये लिख दो, पेमेंट भी हुआ उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा पेमेंट हुआ यहाँ पे 50,000 रुपये, 50,000 पेमेंट भी बोला है कि 50,000 का रोकड़ भुगतान किया और सेल्स के लिए शेयर दिया है। मैं शेयर के लिए अलग से एंट्री कर दूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेमेंट किया कितना, टू बैंक अकाउंट कितना, 50,000 पेमेंट कर दिया, बाकी अब कितना बच गया, 2,70,000 रुपये और बच गया। 3,20,000 का मशीन खरीदा, 50,000 का कैश पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, अब बाकी 2,70,000 बच गया, उसका नाम लिख देते टू हांडा ट्रेडर्स। किससे खरीद रहे हम लोग, हांडा ट्रेडर से खरीद रहे हैं, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, देखो पिछले क्वेश्चन में बैंक अकाउंट का जो एंट्री है दूसरे में किया था, पर इस क्वेश्चन मैंने इसको इसमें कर रहा हूँ ताकि दूसरे क्वेश्चन में हमको आसानी हो जाए बनाने में। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेज कर दिया, ठीक है, परचेस्ड। अब दूसरा जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे हांडा ट्रेडर्स को, कितना पेमेंट करेंगे, 2,70,000 रुपये पेमेंट करने जाएंगे उसको। 2,70,000 क्या दे रहे हैं हम लोग, शेयर दे रहे हैं। तो हांडा ट्रेडर्स को देता, हांडा ट्रेडर्स क्या है, पाने वाला है, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट लिख देता हूँ मैं, हांडा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2,70,000 रुपये टू, हम लोग उसको शेयर दे रहे हैं और भी डिस्काउंट में दे रहे हैं। डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग शेयर जो दे रहे हैं डिस्काउंट में दे, 10 रुपये डिस्काउंट में दे रहे हैं, इसीलिए डिस्काउंट को डेबिट किया मैंने और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दिया, ठीक है। बीइंग शेयर दिए हैं 100 शेयर्स को, तो दिए हैं तो उसको बोलते हैं इशूड करना, शेयर इशू, इशू का थर्ड फॉर्म इशूड, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। खरीदे उसके बदले में, खरीदे हैं उसके बदले में हम लोग शेयर दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है एट डिस्काउंट, बट्टे पर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, इसका टोटल कर दो आप लोग। अब यहाँ डिस्काउंट में कितना पैसा आएगा, यहाँ कितना पैसा, उसके लिए बनाना पड़ेगा हम लोग को वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। शेयर कितना है, कितना पेमेंट करना था, 2,70,000, कितने रुपए का शेयर है, 100 रुपये का शेयर पर 90 में दे रहे हैं तो 90 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कटा, 9 * 9 = 27, 2 3 0 = 3 0, मतलब कितना दे रहे हैं, 3,000 अंश दे रहे हैं, 3,000 शेयर। तो यहाँ पे 3,000 आया, तो 3,000 को मैं, पहले 100 रुपये का था वो, 10 रुपये हम लोग डिस्काउंट में दिए, हमारा कितना है, 3,000 शेयर आया। 3,000 शेयर को कैपिटल में हमेशा रियल वैल्यू से, कैपिटल के हमेशा रियल वैल्यू से होता है, रियल वैल्यू कितना था, 100 रुपये का था, 100, 10 रुपये डिस्काउंट में, यह आ जाएगा 30,000, यह आ जाएगा 3,00,000। मतलब मैं उसको 3,00,000 का शेयर कितने में दे रहा हूँ, 2,70,000 में दे रहा हूँ, 30,000 रुपये के डिस्काउंट में दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा बंसल हैवी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है।